हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए दो स्टॉक चुने हैं, एक है एक्सिस बैंक और दूसरा है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का वीकली चार्ट है। एक्सिस बैंक ने जून 2019 में 827 का हाई बनाया, थोड़ा करेक्शन आया, एक नैरो जेन में स्टॉक ने ट्रेड किया, 623 का सितंबर 2019 में लो बना, उसके बाद स्टॉक ने वापस ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ये हाई को पार नहीं कर पाया, 762 का हाई बना, पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन दिख रहा है। यहाँ पे स्टॉक में फॉल आया, इंटरमीडिएट लो तोड़ के स्टॉक ने मार्च 2020 में 285 का लो बनाया, थोड़ी सी वैल्यू बाइंग आई, स्टॉक ऊपर गया और वापस थोड़ा करेक्शन आया लेकिन ये लो नहीं टूटा और धीरे धीरे स्टॉक फिर ऊपर ऊपर की ट्रेंड में ट्रेड करता रहा और कंटिन्यूस ये 333, 400, 626 हायर बॉटम्स बनते रहे। स्टॉक ने फरवरी 2021 में 800 का हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन सुपर ट्रेंड को स्टॉक ने तोड़ा नहीं और वापस स्टॉक में अच्छी खासी आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल आई और इसके बाद में थोड़ा सा एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा और वापस एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आई जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड को पार करके 766 का हाई बना। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन और प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का सहारा लिया है। अरुण अप एंड डाउन में दोनों ये ग्रीन और रेड लाइन एक्सट्रीम जोन में है, मतलब ट्रेंड की एक मजबूताई दर्शा रहे है और प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड इंडिकेटर जो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता है परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज बिटवीन द करंट लेवल्स एंड प्रीवियस टाइम पीरियड क्लोज एंड वॉट एवर द वैल्यू कम्स इट इज़ एडेड टू द प्रीवियस डे प्राइस वॉल्यूम डेटा। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड भी एक अच्छे खासे ऊपर ट्रेंड में रहता है तो ट्रेंड की मजबूताई शो कर रही है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि एक्सिस बैंक जिसका करंट मार्केट प्राइस 761 है उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1100 आ सकता है और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 732, 712, 695, 680 और 670 और ए ट्रेड में 620 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये अगला स्टॉक हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। ये हिंदुस्तान ऑयल का वीकली चार्ट है। हिंदुस्तान ऑयल ने अगस्त 2018 में 165 का हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा स्टॉक करेक्शन जोन में चला गया, यहाँ से सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव मोड में आ गई, स्टॉक ने वापस ऊपर जाने की कोशिश की, 135 का मई 2019 में हाई बना, ये हाई को पार नहीं कर पाया, स्टॉक में वापस थोड़ी सी सेलिंग ही आई, स्टॉक भी एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा और फरवरी 2019 का 103 का लो स्टॉक ने यहाँ तोड़ दिया और वापस एक थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश लेकिन ये लोअर टॉप बनते गए और स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई। मार्च 20 में स्टॉक ने 30 का लो बनाया और उसके बाद अच्छी खासी वैल्यू बाइंग आई, स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर गया और सीधा 95 का हाई बना, यहाँ से सुपर ट्रेंड भी एक पॉजिटिव मोड में आ गई, यहाँ से थोड़ा स्टॉक में करेक्शन आया, 60.75 का लो बना लेकिन ये पूरा राइस का हिसाब से पूरा वैलिड करेक्शन, वापस स्टॉक में ऊपर गया और नया एक हाई बनाया, एक हाई को पार करते हुए वापस थोड़ा सा एक माइनर करेक्शन, वापस एक नया हाई स्टॉक ने बनाया, मतलब स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग की मजबूताई दिख रही थी। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST और वर्टेक्स इंडिकेटर का सहारा लिया है और दोनों में एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। अभी अभी स्टॉक ने एक वीकली कैंडल जो बनाई है ग्रीन, जो वो ट्रेंड लाइन जो अगस्त 2018 से लेके 21 तक की ट्रेंड लाइन को एक टच किया है, ये वीकली वॉल्यूम्स बार है, कंटिन्यूस स्टॉक्स में वॉल्यूम हो रहे हैं और ये जो पूरा जो पैटर्न है वो एक पॉजिटिव एक बुलिश पैटर्न है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो हिंदुस्तान ऑयल जिसका करंट मार्केट प्राइस 123 है उसका टारगेट आने वाले दिनों में 160 और 200 आ सकता है और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया 116, 111, 107, 104 और 100 रुपीज़ और ए ट्रेड में 85 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। थैंक यू। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Ventura Securities Limited, SEBI registration number, INH 00001634. Its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company.
We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company, such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.